हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है गाइस, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब जैसे ये जो रीजन है ना, शेडेड रीजन है, ठीक है, हमें बस इसका एरिया निकालना है इन फिगर 12.19। ये हमारी फिगर 12.19 है। कह रहा है इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 एंड पी आर इज इक्वल टू 7। जो हमारा पी क्यू है वो कह रहा है 24 है, मतलब हमारा पी क्यू गिवन क्या है, हमारा पी क्यू इज इक्वल टू 24 एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा गिवन है दोनों। फिर कह रहा है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। और जो ओ है ना, ये ओ वो सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर है। तो मैंने सोचा कि ये जो शेडेड रीजन का एरिया ये कैसे निकल सकता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा, देखो ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ठीक है, तो ये तो हमारा जो ये हो गया डायमीटर हो गया। मैंने कहा चलो ये तो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा ये वाले सेमी सर्कल का एरिया आ जाए, ठीक है, जैसे ये डायमीटर है और ये सेमी सर्कल का एरिया आ जाए और ये ट्रायंगल का एरिया आ जाए, ठीक है, तो मैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा ये शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा भी सेमी सर्कल का भी एरिया कैसे लेके आऊँ। तो सेमी सर्कल के एरिया के लिए, जैसे सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है, ठीक है, तो सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारा सेमी सर्कल का एरिया। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है, तभी तो उसका नाम सेमी है, सेमी सर्कल मतलब 1/2 ऑफ सर्कल, ठीक है, तो इसका एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर हुआ। तो मैंने कहा कि अब मेरे को सेमी सर्कल का एरिया लाने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत होगी, तो मैं रेडियस कहाँ से निकालूँ। तो मैंने सोचा, देखो मुझे पी क्यू दिया हुआ है 24 और पी आर दिया हुआ है मुझे 7, ठीक है, तो मैंने कहा इससे किसी तरह ये निकाल देता हूँ। अब गाइस, अब आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी थोड़ा टाइम पहले और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि क्या, जैसे हमारा ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा कोई डायमीटर है, ठीक है, ये हमारा कोई डायमीटर, डायमीटर हमेशा सेंटर से जाता है, और जब भी ये डायमीटर सर्कल के एंड में कोई एंगल बनाएगा ना, ये जो सर्कल का कोई भी एंड है जैसे ये और ये ऐसे, तो ये जो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है, चाहे जैसे ये डायमीटर था, जैसे चाहे ये यहाँ पे ऐसे एंगल बनाए, ठीक है, सर्कल के किसी भी एंड में एंगल बनाते हैं ना, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखो, जैसे अब ये डायमीटर है हमारा और डायमीटर ये यहाँ पे एक एंगल क्या बनाएगा, डायमीटर की दोनों जो एंड्स है ना उनसे एंगल आता है हमेशा, ठीक है। जैसे अब देखो एक और दोबारा समझाता हूँ, ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, और ये इस एंड से और इस एंड से एक लाइन आई और ये यहाँ पे मिली सर्कल के इस एंड पे, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री नहीं होगा। जैसे देखो ये कोई सर्कल है और ये कोई डायमीटर है और ये ऐसे, ये वाला 90 डिग्री नहीं होगा एंगल, ठीक है, सर्कल के एंड एंड्स पे लगना चाहिए, ठीक है, किसी भी। अब जैसे देखो ये डायमीटर है और ये एक एंड से यहाँ पे लग रहा है और एक एंड से यहाँ पे लग रहा है, तो ये एंगल क्या हुआ हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे, हमें पी क्यू दिया हुआ 24, पी क्यू हमारा 24 है और पी आर हमारा 7 है, तो अब हम हाइपोटेन्यूज से निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो वही पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से हम अपनी हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, तो क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी आर का स्क्वायर नहीं, पी क्यू का स्क्वायर हुआ ना, पी आर क्यू आर, ये क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एक ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये क्यू आर हमारी हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि राइट ट्रायंगल हमारा ये है, राइट ट्रायंगल के सामने वाली साइड जो होती है, जो राइट ट्रायंगल को टच नहीं कर रही होती, ये भी साइड टच कर रही है, ये भी साइड टच कर रही है, ये वाली साइड टच नहीं कर रही है राइट ट्रायंगल को, तो ये हमारी हाइपो ही, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू का स्क्वायर, तो बस हम इससे निकाल देंगे, क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर 7 दिया हुआ है हमें और पी क्यू क्या दिया हुआ है हमें 24, तो 24 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 49 प्लस 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है मुझे पता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये भी मुझे पता है, ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए, नहीं तो अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, 24 इंटू 24, 7 इंटू 7, तो 49 सबको पता ही होगा, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया, तो अब क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 49 प्लस 576 होता है 625, ठीक है, तो अब क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 625,
जब स्क्वायर एक साइड से स्क्वायर हटता था दूसरी साइड रूट आया था हमेशा, ठीक है, तो मैंने एक साइड से स्क्वायर हटाया दूसरी साइड रूट आ गया, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो अब ये मैं स्क्वायर से रूट काट दूंगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 25, तो क्यू आर कितना आ गया मेरा 25, ये पूरा क्यू आर मेरा 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरा क्यू आर क्या था, मेरा डायमीटर, ठीक है, मुझे क्या चाहिए थी रेडियस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले, तो रेडियस कैसे आएगी, रेडियस होती है हमेशा डायमीटर बाय टू, डायमीटर बाय टू, डायमीटर कितना हमारा 25, तो 25 बाय टू रेडियस आ गई हमारी 25 बाय टू सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी रेडियस आ गई, तो मैंने कहा कि मेरी रेडियस भी आ गई, तो सबसे पहले मैं ना सेमी सर्कल का एरिया निकाल देता हूँ, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 × मैं पाई की जगह मैं 22/7 लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ कि 3.14 लेनी है क्या लेनी है, ठीक है, तो मैं जब भी दिया नहीं होता तो 22/7 लिखता हूँ पाई इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितना है मेरा 25/2, 25/2 × में 25/2, ठीक है, स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है, अब जो जो कटेगा उसको उसको मैं काट दूंगा, ठीक है, तो ये 2 11 जा ये कट गया, और कुछ कट रहा है, और कुछ तो नहीं कट रहा, ठीक है, तो बस अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा मैं, 25 × 25 होता है 625, 625 × में 11, 625 × में 11 होगा 6875, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, और ये 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी मेरे सेमी सर्कल का एरिया है, ठीक है, तो अब गाइस मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूँ, ठीक है, ये गाइस ये जो ये वाला एरिया है ना ये भी शेडेड रीजन है, ठीक है ना, बुक में ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला भी चीज़ शेडेड रीजन ही है, ठीक है, ये और ये, तभी तो मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट आएगा ना, जितना भी शेडेड रीजन नहीं उतना आएगा, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूँ, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिख दो, चाहे पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 × में बेस इंटू में हाइट, क्योंकि ये मेरा राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 × बेस इंटू हाइट, तो कितना आ जाएगा 1/2 × में बेस, बेस कितना है मेरा 7 इंटू में हाइट, हाइट कितनी है मेरी ये 24, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 7, और ये कट रहा थोड़ा सा 2 12 से कट जाएगा, 12 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा, ठीक है, तो अब देखो अब इसको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, तो अब ये सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं माइनस कर दूंगा, दैट्स इट, मेरा आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या था मेरा 6875 बाय 28 माइनस 84, ठीक है, इतना मेरा हो गया, तो इसका बस मैं एलसीएम ले लूंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका एलसीएम ले लूंगा 28, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6875 माइनस 84 × में 28, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 6875 माइनस 84 × में 28 कितना होगा, 84 × में 28 आप करके देख लो, ये हो जाएगा 2352, ठीक है, 84 × में 28 करोगे तो 2352 आएगा, तो बस अब इसको माइनस कर दो, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, इसको माइनस करेंगे 6875 माइनस 2352, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में 2 गया 4, 4523 आंसर, 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, दैट्स इट, यही था हमारा, अब देखो मैंने मैं दोबारा बताता हूँ मैंने किया क्या, मैंने दिमाग से सोचा, ठीक है, मैंने सोचा कि मेरे को ये जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट भी शेडेड रीजन में ही था, ठीक है ना, और मैंने सोचा कि मेरे को जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने सोचा कि मैं अगर ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूँ, देखो ये डायमीटर है मेरा, तो ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, डायमीटर हमेशा सेमी सर्कल को 2 पार्ट्स में बांटता है डायमीटर, ठीक है, तो ये एक ये सेमी सर्कल हो गया, डायमीटर के इधर वाला, एक डायमीटर के इधर वाला सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, तो मैंने सोचा भी मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूँ, उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला माइनस कर दूँ,
तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा, बस मैंने यही सोचा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही सोचना है, पहले दिमाग में ही सोचना है ना कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं तो हमेशा पहले दिमाग में सोच लेता हूँ कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन, फिर उससे ना हमारी गलती नहीं होती। ठीक है, बस दैट्स इट, क्वेश्चन फर्स्ट खत्म। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन टू। ठीक है गाइस, क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो रीजन है गाइस वो हमारा शेडेड रीजन है, बस इतना रीजन। ठीक है, इन फिगर 12.20 इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 एंड 14 रिस्पेक्टिवली एंड एंगल ए ओ सी इज 40 डिग्री। अब गाइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो दोनों सर्कल है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जैसे गाइस जिनके दोनों के जो सेंटर होते हैं ना वो एक ही होते हैं। जैसे मैंने एक ही सेंटर लिया तो ऐसे कंपास से एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया। ठीक है, फिर यही सेंटर लिया कंपास से और फिर कंपास को थोड़ा खोल दिया, फिर एक और ऐसे ही सर्कल बना दिया। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ऐसे मैं बड़े सारे सर्कल्स बना सकता हूँ, बस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है, तो इन सब का इन दोनों का सेंटर सेम है तो इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं जो हमारी रेडियस है ना छोटे सर्कल की वो 7 सेंटीमीटर है और जो बड़े सर्कल की है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो छोटे सर्कल की रेडियस को मैं आर ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर और बड़े सर्कल की रेडियस को बड़े आर ले लेता हूँ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमें एंगल ए ओ सी 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं शेडेड रीजन का जो एरिया है कैसे निकाल सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि देखो अगर मैं ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये जो मेरा बन रहा है ये सेक्टर बन रहा है, तो मैंने कहा अगर ये मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के फिर अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया सेक्टर निकालता हूँ, छोटे वाले सर्कल का एरिया सेक्टर कितना होगा, बस ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और बड़े वाले सर्कल का एरिया सेक्टर कितना होगा, ये पूरा बड़ा सारा। ठीक है, जितना भी पूरा है, और छोटे वाले सर्कल का ये यहाँ से बस यहाँ तक ही होगा। ठीक है, ये पूरा। तो मैंने सोचा कि अगर बड़े वाले एरिया ऑफ सेक्टर में से छोटा वाला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूँ तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस मैंने यही सोचा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन रीजन इज इक्वल्स टू, अब हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये मेरा बड़े वाले सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर हुआ क्योंकि मैंने बड़ी वाली रेडियस ली है। फिर माइनस कर दूंगा उसमें से छोटे वाले का एरिया ऑफ सेक्टर, छोटे वाले का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाले सर्कल की रेडियस तो हमारी 7 है ना और बड़े वाले सर्कल की 14 है, तो बड़े वाले सर्कल में बड़े वाले की रेडियस, छोटे वाले सर्कल में छोटे वाले की रेडियस। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया ऑफ सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर में माइनस कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो थीटा कितना दिया हुआ मेरे को, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिख दूंगा, 40 बाय 360। और पाई की अगर कोई वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई, तो 22/7 ही लिखूंगा, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर कितना है, बड़ा आर 14 है, तो इंटू में 14 का स्क्वायर माइनस थीटा 40 सेम, क्योंकि थीटा तो दोनों का सेम ही रहेगा ना क्योंकि एक ही सेक्टर में दोनों बन रहे हैं। ठीक है, 360 इंटू में 22/7 इंटू में स्मॉल आर कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने सोचा इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, 40 बाय 360 इंटू में 22/7 मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा गया 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, बस 40 बाय 360 दोनों टर्म्स में आ रहा था। ठीक है, माइनस के दोनों तरफ देखो, ठीक है दोनों तरफ 40 बाय 360, 40 बाय 360 इधर भी है, 22/7 और 22/7 इधर भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब जो जो कटेगा उसको काट रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 360 था ना, ये तो 0 से 0 गया, 4 9 36। ठीक है, तो और कुछ कट रहा है, और कुछ तो नहीं कट रहा, तो मेरा बस यही हो जाएगा, 22 बाय 63, 7 9 63 हुआ ना, 7 9 63 इंटू में 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, माइनस का 49। ठीक है, मुझे भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए, 20 तक तो बिल्कुल रटे होने चाहिए स्क्वायर्स। ठीक है, तो 22 बाय 63 इंटू में 196 माइनस 49, 196 में से 49 माइनस कर दो। ठीक है, 16 में से 9 गया 7। ठीक है, और ये 18 में से 4 गया 14। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 22 बाय 63 इंटू में 147, 196 में से 49 माइनस किया तो 147 आया ना, तो अभी जो कटेगा उसको काट दूंगा मैं, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 7 9 63 है
अरे 7 2 14 21 और कुछ बट रहा। हाँ ये 3 3 9 3 7 21, तो बस ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मेरा आंसर 22 × 7/3, 22 × 7 क्या हो जाएगा, करके देख लो चाहे आप। ठीक है, 7 2 14, 7 2 14 15, तो कितना आंसर आ गया, 154/3। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, मैंने बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर माइनस किया बस, और कुछ नहीं किया। मेरा मेरा बस एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया बस। ये बस ये जो एक्सरसाइज है ना, पूरी सोचने पे ही है, पूरी डिपेंड सोचने में कि आप कैसे सोचते हो। आप जैसे सोचोगे वैसे ही आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। आपको बस सोचना सही है। ठीक है, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है, सिर्फ इतना इतना वाला पार्ट, ये हमारे दोनों शेडेड रीजन है। कह रहे हैं कि इन फिगर 12.21, इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, जो हमारा ए बी सी डी है ना वो स्क्वायर दिया हुआ है, जो फिगर है ना ए बी सी डी, ये हमारा स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब ये इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो सारी साइड 14 होंगी, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स। ए पी डी और बी पी सी, ठीक है, ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं कह रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन में कैसे निकाल सकता हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दूँ, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल दूँ, ठीक है, फिर स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं इस दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरा ये तो रीजन बचेगा बस। ठीक है, स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, ये भी काट दूँ ये भी काट दूँ, तो बचा क्या सिर्फ ये। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरा साइड का स्क्वायर, कोई भी साइड है उसका स्क्वायर। साइड हमारी 14 है तो 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 90 196। ठीक है, तो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर 196 सेंटीमीटर है। कितना क्या दिया हुआ क्वेश्चन में हमें, हमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सही है बिल्कुल। ठीक है, इतना मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब ऐसे ही मैं सबसे पहले इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा और फिर इस वाले का निकाल दूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल असली में होता क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इज इक्वल्स टू 1/2 πr². ठीक है, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का क्या होता है, सेमी सर्कल होता क्या है, सर्कल का हाफ, तो सर्कल का हाफ कर दिया मैंने, 1/2 πr². ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल का क्या होता है, 1/2 πr², तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 π की जगह 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर। अब आर की, आर मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे मेरे को तो आर दिया नहीं हुआ, पर मुझे पूरी साइड दी हुई है, पर मुझे ये बताया हुआ है कि ये सेमी सर्कल है। ठीक है, और सेमी सर्कल का हमेशा ये वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा डायमीटर होता है, ये याद रखना। जैसे हमें कोई दिया हो ना, जैसे ये कोई सेमी सर्कल है, ठीक है, और इसकी साइड जैसे ये 20 दी हुई है, तो जो सेमी सर्कल होता है ना उस जिस पे सेमी सर्कल बना होता है बेस पे, ये सेमी सर्कल इस पे बना है, तो वो हमेशा डायमीटर होता है। ठीक है, तो मतलब हमें ये डायमीटर दिया हुआ है इसका, ठीक है, तो डायमीटर अगर हमें दिया तो रेडियस क्या होगी, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय टू। डायमीटर कितना है मेरा, 14, तो 14/2 कितना हो जाएगा, 7, तो रेडियस कितनी आ गई मेरी, 7, दैट्स इट। तो इसको मैं डाल दूंगा 7 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 7 से 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे का भी तो यही आएगा, क्योंकि दूसरे की भी एक साइड 14 ही तो है, चाहे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, एरिया ऑफ अदर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 πr². वैसे मैं तो सीधा 77 × 2 करता, क्योंकि दोनों का मुझे पता है सेम ही सेमी एरिया आएगा, क्योंकि इसकी भी साइड 14 है, इसकी भी साइड 14 ही है, इसकी भी रेडियस 7 ही आएगी। ठीक है, 1/2 × 22/7 × 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लिखना है या 7 × 7 ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, 7 से 1 7 काट दूंगा मैं, 2 से 11 काट दिया, इज इक्वल टू 77। ठीक है, इसका भी 77, इसका भी 77। मैंने इसलिए बताया सेम है क्योंकि हमारा जो असली में एरिया निकलता है वो रेडियस की वजह से निकलता है, रेडियस दोनों की सेम है तो एरिया भी सेम ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है,
तो मेरा अब ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल का एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स इज इक्वल्स टू 77 प्लस 77, ठीक है, 77 प्लस 77, 77 प्लस 77 कितना हो गया, 75 75 150, 154 हो गया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 154 ये सारा रफ वर्क है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था 196, और 196 में से 154 माइनस कर दूँ वो मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना मेरा 196 माइनस 154, दैट्स इट, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 196 में से 154 माइनस कर दो, 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, तो कितना हो गया मेरा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म।